गांधी वाटिका के रूप में एक और उपलब्धि होगी जयपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है, परसों कौशन क्लब बनेगा, उसका उद्घाटन हो रहा है दिल्ली की तरह, फिर आपका गांधी वाटिका बन रही है। एक के बाद एक जो फैसले हुए हमने पार्टी के, फैसले नहीं हुए, काम शुरू भी कर दिया, काम पूरा भी हो गया है और उसके उद्घाटन भी हो जाएंगे कल परसों। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर का शिलान्यास भी होगा, गांधी वाटिका का उद्घाटन भी होगा। तो नई नई सौगातें मिली राजस्थान में और जयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को। ये प्रोजेक्ट है जो खाली जयपुर में नहीं है, गांधी वाटिका हो, आपका काउंसिल क्लब हो, चाहे आर आई सी हो, ये तमाम काम और चाहे कांग्रेस हमारे ऑफिस क्यों नहीं हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर बनना मैं समझता हूँ बहुत अत्यधिक सौगात है। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई, इन्होंने पहल करी, धारीवाद ने जमीन उपलब्ध करवाई, आगे बढ़ गए और हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे। हर कार्यकर्ता प्रदेश का गांव में ढाणी बैठा हुआ है, उनको गैर महसूस हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ही देश को एक बार अखंड रख सकती है, कांग्रेस लोकतंत्र बचा सकती है जो आज खतरे के अंदर है, कांग्रेस संविधान की रक्षा कर सकती है जो आज उनकी धज्जियां उड़ रही है संविधान की, जो आज वर्तमान सरकार के जो सोच है बहुत खतरनाक सोच है उसका मुकाबला करने का संदेश भी परसों जाएगा आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के माध्यम से।